हाय एवरीवन, दिस इज राज शर्मा। इस वीडियो में मैं अपना परसेप्शन शेयर करने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल के मेंस के रिगार्डिंग। कटअप क्या जाएगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जो कटअप के लिए वीडियो खोले हैं तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। कटअप को प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वैसे कुछ टीचर्स जैसे कि शुभम सर, आरबीई, ये सारे लोग कटअप की वीडियो लाएंगे, तो आप उन्हीं के डेटा के ऊपर विश्वास कीजिएगा। बहुत लोग फेक वीडियो बना के आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके वीडियो पर विशेष तरह से ध्यान ना दें। अभी बात करते हैं कि मेरी परसेप्शन क्या है कटअप को कम जाने के लिए। कटअप कैसे कम जा सकती है? कटअप को कम जाने में दो तीन फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं इस बार। जैसे कि जब 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उस वक्त 2020 का रिजल्ट आया था एसएससी सीजीएल मेंस का, तो बच्चे एग्ज़ाम शायद दे दिए थे या नहीं दिए थे, वो मुझे कंफर्म अभी याद नहीं है। और 2022 का जब एग्ज़ाम हुआ है अभी मेंस का, तो मेंस के एग्ज़ामिनेशन के कुछ समय बाद ही, जैसे अभी आंसर की आई है, तो अभी देखा गया है कि अभी आंसर के आने के बाद SSC CHSL और SSC CGL का 2021 का रिजल्ट आ गया है। CHSL में TB होना बाकी है, लेकिन CGL का फाइनल रिजल्ट आ गया है। यानी 7000 लड़के ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है ये सारे बच्चे 2022 में भी हो, और ऐसा होता ही है, हमेशा होता है। 4 साल से मैं भी देख रहा हूँ ऐसा होते आ रहा है। तो कह नहीं सकते हैं कि ये बच्चे रिपीट नहीं करेंगे, ये बच्चे TB में नहीं जाएंगे, बट इन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको DB इस बार अभी रिजेक्ट करनी चाहिए, अपने DB में इनको नहीं जाना चाहिए। वैसे तो DB इस बार डिपार्टमेंट में ही होगी, तो उसके लिए एक पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाया जाएगा। यही एक तरीका है इनको किसी तरीका से मनाने का। तो जो बच्चे 2022 में जॉब चाहते हैं, जिनको जो बॉर्डर है, जिनको कम नंबर है, तो वो क्या कीजिए कि जो 2021 वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट कीजिएगा, हम्बल तरीके से, कि वो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म ना भरें। जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भर देंगे, कटअप उन्हीं के मार्क्स के आधार पर डिसाइड की जाएगी। तो ये एक तरीका है जिससे कटअप कम जा सकता है थोड़ी सी। दूसरा तरीका है कटअप कम जाए या ना जाए, कई ग्रुप में मैंने देखा है वेटिंग लिस्ट के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। कई जगह पोल भी हुआ है, तो उस पोल के हिसाब से देखा गया कि लोग 90% अप्रॉक्स में लोग वेटिंग लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं। पहले भी की गई थी 2018 में, 2019 में, 17 का जो केस हुआ था उसके समय भी वेटिंग लिस्ट की प्रावधान के लिए मांग की गई थी, बट SSC ने उसे खारिज कर दिया था, या फिर हो सकता है मांग को पूरी तरह से उठाया नहीं गया था। लेकिन इस बार सिनेरियो दूसरा है, बैक टू बैक लड़के का रिजल्ट आते जा रहा है। तीन महीने पहले लगभग आया था 2020 का, 3 महीने बाद 2021 का आ गया, 2 महीने बाद SSC 22 का आ जाएगा। तीनों में सेम बच्चे होंगे, तो सिलेक्शन तो होगा नहीं जेन्युइन बच्चों का, यूनिक बच्चों का सिलेक्शन होगा नहीं, रिपीटर्स का सिलेक्शन होते रहेगा, इससे नुकसान होगा। इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि इनको आप रुकवा दीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में इनको मना कीजिए भरने के लिए। जो भी लोग हैं, मैंने भी कुछ लोग को बोला है, वो लोग बोले हैं कि ना मैं नहीं भरूँगा। और दूसरा तरीका है वेटिंग लिस्ट आ जाए, अगर कैंपेन वगैरह होता है तो आप लोग उसमें भाग लें अच्छे से। और तीसरा एक तरीका और है, जब आपसे मांगा कोई राय मांगे या फिर ग्रेवियंस वगैरह आप डाल सकते हो बॉन्ड के लिए। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक के द्वारा इसमें बॉन्ड सिस्टम आ सकता है। जैसे कि SSC CGL में बॉन्ड सिस्टम डाल दिया जाए कि 2 लाख रुपये आप जमा करना पड़ेगा अगर आप क्विट करते हो जॉब को मिनिमम ड्यूरेशन में, या फिर जैसे जॉब लाने के कुछ दिन बाद ही कुछ लोग छोड़ देते हैं। बैंक में भी तो लोग जॉब करते हैं, वो लोग तो नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उसमें बॉन्ड होता है, छोड़ने पर फाइन देना पड़ेगा। SSC में बॉन्ड नहीं है, आराम से आज़ादी है ना, आज़ादी है तो लोग अपने आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ईश्वर ने ज्ञान दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, तो उसका सही जगह इस्तेमाल इनको करने तो आता नहीं है। एक ही फॉर्म को बार बार भर रहे हैं, जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं 2018 में सिलेक्ट हुआ, मैं 19 में सिलेक्ट हुआ, मैं 20 में हुआ, 22 में होगा, 23 में होगा, और क्या करोगे सिलेक्शन, शादी करो, जाओ घूमने जाओ, घर परिवार देखो, ये सब काम बचा हुआ है, बच्चों का जीवन बर्बाद करते रहते हैं वो लोग। तो ईश्वर ने दिया है आपको, तो उसका फ़ायदा उठाएं, किसी और रास्ते में जाएं, UPSC की तैयारी करें, IAS बने, देश को संभालें। SSC तो छोटी सी संस्था है, इसमें कितना घुसे रहिएगा, निकलिए आगे बढ़िए।
अब बात रही, तीन पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को ना भरना, अगर वो लोग ना भरते हैं तो ऐसा हो सकता है कम जाएगा कटअप। दूसरा है वेटिंग लिस्ट आ जाना, इससे बेनिफिट हो जाएगा। तीसरा है बॉन्ड, 2 लाख 2.5 लाख का जो बॉन्ड होता है बैंक में वैसा ही इसमें बॉन्ड आ जाए, तो कुछ लोग जो दे पाएंगे वो तो दे देंगे भागने के चक्कर में, लेकिन जो लोग नहीं दे पाएंगे कम से कम 1 साल 2 साल 1.5 साल 6 महीना तक तो उनको जॉब करना पड़ेगा, तब ना बॉन्ड भर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो स्किपिंग होता है ना, जंपिंग एक जॉब से दूसरे जॉब में तुरंत तुरंत, वो रुकेगा, थोड़ी सी पलायन बोला जा सकता है, रुकेगा इन लोग का पलायन रुक सकता है। तो ये तीन मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। आपके क्या विचार है आप कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद। SSC सीजिल मेंस 2022 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।